आज मैं आपको पंखा रिपेयरिंग करने के बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए, ये खुला हुआ फैन है, ये कैपेसिटर है कंडेंसर 2.5 का, देख लीजिए 2.5 का कैपेसिटर है, ये बेस हो गया। अब ये देखिए, ये हो गया स्टार्टिंग और एक ये हो गया कॉमन, एक स्टार्टिंग और एक रेस का, दोनों को मिलाकर एक कॉमन बनाया जाता है। और दो बचा हुआ जो है, ये जैसे रेड रेड का दोनों है, दोनों रेस का है, ये दोनों स्टार्टिंग का है हरा वाला, इसी में से दोनों एक का कॉमन बनाया जाता है। एक को एक एक फेज को जिसमें एक कैपेसिटर लगाया जाता है, एक में करंट दिया जाता है। ये खोल लीजिए, उसके बाद ये रहा आपका बैरिंग, बैरिंग दिखाई दे रहा है आपको, ये धुरी हो गया उसका फैन का, वही बैरिंग पे ये फैन अपना स्पीड से चलता है। इस साइड आ गया, ये हो गया कॉइल आपका, कॉइल देखिए कॉइल है ये, ये बैक बैरिंग हो गया नीचे वाला, एक हो गया स्पीड और एक हो गया स्टार्टिंग, ये स्पीड है, ये स्टार्टिंग है, ये बैरिंग है। ये देखिए बैरिंग इसका जाम है, बैरिंग चेंज कर रहा है, फ्री नहीं है बिल्कुल, हल्का फ्री है, बदलना है, चेंज करेंगे इसको, वो भी आपको बताऊंगा बैरिंग चेंज कैसे किया जाता है। खोलने के बाद थोड़ा साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है, कचरा जम जाता है फैन को ज़्यादा दिन पर खोलने पे। ये हो गया कैपेसिटर स्टैंड, इसमें कैपेसिटर लगता है, इसमें 5 सुराग रहता है, जिसमें एक दो में जाएगा इनपुट करंट और 3 जो है एक में कॉमन रहेगा, और आउट एक में इनपुट जाएगा करंट, दूसरा में इनपुट जाएगा करंट। एक कॉइल के लिए है, एक फैन के अंदर के लिए, और जो कुछ भी है वो मैं आपको अगला वीडियो में बताऊंगा। ये देखिए, ये हो गया स्टैंड उसका कैपेसिटर का, ये स्टैंड में लगा के एक स्क्रूप ले